कर्म भूमि नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम भारत भूमि रत्नाकरा बोध प्रदान हिमालय की रीत भूमि ब्रह्म राज ऋषि रत्नार्याम वंदे भारत माता। बोले भारत माता की। विवेकानंद जी, आजादी से पहले और आजादी से बाद दो दल हुए हैं सदा से, एक गरम दल एक नरम दल। हम गरम दल वालों में हैं क्योंकि राजपुरोहित वंश में मेरा जन्म है, खजूरिया बिरादरी का। तो वैसे भी आजादी से पहले हो चाहे आजादी से बाद हो, लोगों को विद्रोही और आतंकी ही कहा गया है, हमें भूमि स्वीकार है। लेकिन धन्य भाग हमारे श्री महाराज जी के आशीर्वाद के, जो आतंकियों को भी माइक पकड़ा करके बोलने को आदेशित कर देते हैं। इसलिए बात चली थी महाराज जी की बीच में, शायद स्वामी बुआ दत्ता जी ने कहा था कि महाराज जी कहते थे कि जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। तो पंक्ति के साथ ही शुरू करना चाहता हूं अपने, कि जो बीत गई सो बात गई, उस बात का शिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई, उस बात का शिकवा कौन करे। और जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन होता हूं। अतुल कृष्ण शास्त्री जी ने आज बहुत गौरव जगाने वाली बात कही कि हमें अभिमान होना चाहिए हम सुवांजना से। अतुल कृष्ण शास्त्री जी ने आज बहुत बड़ी बात कही कि हमें अभिमान होना चाहिए हम सुवांजना से। इसी बात पर, इसी बात पर मेरी इच्छा हो रही है कि पहले आज से मैं विनती करूं, सम्मान चिन्ह कुछ ऐसे रखो आप लोग। एक जगह किसी महापुरुष ने कहा है कि हिंदू उसे ही कहा जाता है शस्त्रे शास्त्रे च कुशलम, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही कुशलता रखता हो। तो मैं बात कर रहा था अतुल जी की बात से। तो अतुल जी, हमारा तो भगवान से रिश्ता ही ऐसा है जैसा रिश्ता शायद वृंदावन वालों का नहीं होगा, अयोध्या वालों का नहीं होगा। जरूर जरूर। भगवान शंकर हमारे बड़े दामाद हैं। भगवान कृष्ण हमारे छोटे दामाद हैं। जामावंती भाई, जामावंती ना जड़ी, जामावंती, जामावंत की पुत्री, जामावंती, जामावंत गुफा जम्मू में है, इसलिए कृष्ण भगवान हमारे दामाद हैं जम्मू वालों के। शंकर जी भी दामाद हैं, कृष्ण भी दामाद है, और भगवान कल्कि जिनका अवतार होना है माँ वैष्णो देवी प्रतीक्षा कर रही है, वो भी हमारा दामाद, इसलिए हम वृंदावन वालों से ऊपर है। शास्त्री जी महाराज का भाई, ये प्यार की तकरार है, मत कोई समझना कि कोई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, ये प्यार की तकरार है। तो बोलिए भारत माता की जय हो। एक जम्मू कश्मीर का संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष रख के वाणी को विराम दूंगा कि अमरनाथ के चरण कमल में भारत माँ का माथा हूँ। अमरनाथ के चरण कमल में भारत माँ का माथा हूँ, तपो भूमि हूँ कश्यप की, मैं सिंधु सभ्यता गाथा हूँ, चंद्रभागा और जेलम की निर्मल बहती धारा हूँ, त्रिकुट वासिनी माता वैष्णो की आंखों का तारा हूँ, त्रिकुट वासिनी माता वैष्णो की आंखों का तारा हूँ, बंदा का संघारक खंडा, टोगरों की जवानी मैं, और कापा जिससे अदम गजनवी प्रोदिता मर्दानी का। बंदा भालू की बात कर रहे हैं। कापा जिससे अदम गजनवी बहुत दिद्दा मर्दानी में, अभी कंगना रानावत शायद दिद्दा महारानी में फिल्म बनाने जा रही है, महाराज हमारे जम्मू कश्मीर की महारानी हुई। आपको बता दूं विवेकानंद जी, किसी मुगल की औकात नहीं हुई जम्मू कश्मीर की सीमा से भारत में प्रवेश की, इसलिए जम्मू कश्मीर को कोई कम मत आंके, हम आंकने ही नहीं देते। तो आगे पंक्तियां हैं महाकाव्य कुंतक कलहन का, रामायण मंजरी आदि ग्रंथ, राज तरंगणी कलहन ने लिखी, कुंतक ने लिखी, आदि ग्रंथ, कवियों में भी पहले हम है। महाकाव्य कुंतक कलहन का, क्षेमेंद्र महाज्ञानी में, विजय तिलक हूं अजय ललित का, अंबा खीर भवानी में, मेजर सोमनाथ का साहस, मेजर सोमनाथ का साहस, जोरावर अंगारा हूँ, महावीर राजेंद्र सिंह को निज प्राणों से प्यारा हूँ, विजय गान चारों युद्धों का अंकित तुंग हिमानी में, और शब्दों की रक्तिम ज्वाला से मैं आग लगा दू पानी लगा दू पानी, शब्दों की रक्तिम ज्वाला से मैं आग लगा दू पानी में, वज्र नख क्रोधी नरसिंह का दुरित बक्ष को फाड़ू,
सिंह का दुरित बक्ष को फाड़ू में, पग विराट प्रभु पावन काहू तम को भूमे गाड़ू में, केशव का मैं चक्र सुदर्शन रघुनायक प्रतधारी हूँ, कहो तिल की निष्ठुर प्रतिज्ञा विद्रोही चिंगारी हूँ, वेदों का मैं अमृत ज्ञान हूँ दिव्य ज्ञान की गंगा हूँ, वेदों का मैं अमृत मंत्र हूँ दिव्य ज्ञान की गंगा हूँ, भारत माँ की अनुपम शोभा मैं ही अमर तिरंगा, भारत माँ की अनुपम शोभा मैं ही अमर तिरंगा हूँ, प्रलय परशु हूँ परशुराम का स्वभाव लिखा है, प्रलय परशु हूँ परशुराम का ऋषियों में दुर्वासा में, प्रलय परशु हूँ परशुराम का ऋषियों में दुर्वासा में, चारामुंडा का काल खड़ग हूँ दमुज रक्त का प्यासा में, तान वंदे मातरम की हूँ इनकलाब की भाषा में, विश्व गुरु भारत अखंड की संकल्पित अभिलाषा में, असुर वक्ष में गाढ़ तिरंगा जन गण मन को गाता हूँ, धर्म हेतु ये शीश बार दूं तभी कुसुम कहलाता हूँ, ये शीश बार दूं तभी कुसुम कहलाता हूं। और एक प्रश्न लिखा है सैनिकों का, इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा कि वीर सैनिकों की लाशें हम आखिर कब तक धोएं? सरकार जिसकी भी हो, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं, तुम्हें किसी का पक्षधर नहीं, निष्पक्ष भाव से कहता हूं कि वीर सैनिकों की लाशें हम आखिर कब तक धोएंगे? वीर सैनिकों की लाशें हम आखिर कब तक धोएंगे? कश्मीर गवाकर बैठे हैं और बहुत कुछ खोएंगे, कश्मीर माने पीओ के पीओजे के, वीर सैनिकों की लाशें हम आखिर कब तक ढोएंगे? कश्मीर गवाकर बैठे हैं और बहुत कुछ खोएंगे, झंडा लाल हरा क्यों आखिर गवाह हमारी भूख पर है, झंडा लाल हरा क्यों आखिर, ये कम्युनिस्टों का ये उसका मैं नहीं जानता किस किस का नाम भी नहीं याद रखना चाहिए इनका, लेकिन झंडा लाल हरा क्यों आखिर गड़ा हमारी भूख पर, चहुदिक बैठा गिद्धगात में पानी सर के ऊपर है, पांच धनुष की प्रत्यंचा को चरने से रोको ना, अश्वमेध घोटक को आगे बढ़ने से टोको ना, पांच जन्मे का नाद करो हम कब से है तैयारी में, चक्र उठाने की उत्कंठा आपकी है बनवारी में, निश्चयहीन करो मही पर अब पुनः पुकारा जाएगा, माँ का आंचल छूने वाला हर रावण मारा जाएगा, माँ का आंचल छूने वाला रावण मारा जाएगा, सुत हम उसके जिसके भय से दानव दल छट जाते हैं, सुत हम उसके जिसके भय से दानव दल छट जाते हैं, भयाकुल हो जिसके दूध से पर्वत तक फट जाते हैं, मुंड काट कर रक्त बीज का हम शोणित पी जाते हैं, शीश चढ़ा माँ के चरणों में मरकर बीज जाते हैं, यम अनीक भी समर भूमि में, शब्द समझना, यमराज की सेना समर भूमि में, यम अनेक भी समर भूमि में हमसे नजर चुराती है, टकराने पर मृत्यु स्वयं भी अपने प्राण बचाती है, अरे स्वाद भरा जो अरिशोणित में, स्वाद मिले जो शत्रु रक्त में और नहीं कुछ पीने में, स्वाद भरा जो शत्रु रक्त में और नहीं कुछ पीने में, आंख में आए शौर सिंह से जिगर कहां है सीने में, करो युद्ध हमसे अब की हम इतनी लाश बिछाएंगे, जितनी आती तुमको गिनती उससे अधिक गिनाएंगे, थप्पड़ ताने खड़क उठाए मांगे रक्त भवानी है, विजय भी जिसकी जय कहे हम सेना हिंदुस्तानी।